मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस कार को स्लोप पर चढ़ाने के लिए हमें स्लोप कैसा बनाना चाहिए, नए मकान में स्लोप कैसा बनाना चाहिए, और हमारी कार कहाँ कहाँ टकरा सकती है। शुरू में टकरा सकती है, बीच में सब टकरा सकती है। नए मकान में हम स्लोप कैसे बनाएं कि हमारी कार दौड़कर चढ़ जाए। तो इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर हमारा चैनल लाइव पर उपस्थित हुआ है, और लाइव वर्क पर ये सारी समस्याओं की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। इसलिए आप हमारे लाइव वर्क चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारी स्लोप की समस्याएं हैं, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई योगेंद्र पटेल सॉल्व करता रहता है। इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और अपनी स्लोप की समस्या को समझें कि हम स्लोप कैसे बनाएं। तो स्लोप बनाने से पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा पहले कि हमारी कार जब चढ़ती है तो हमारी कार स्लोप पर कहाँ कहाँ टकरा सकती है। जब हमें टकराने का मालूम होगा तभी हम उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने स्लोप का निर्माण करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी कार जब आती है तो हमारे कार का आगे वाला पहिया, जब आगे वाला ये पहिया होता है, फ्रंट का व्हील होता है, ये स्लोप के किनारे पर आता है। देखिए, ये बिल्कुल स्लोप के किनारे पर आ गया है, और आप देख रहे होंगे कि हमारे पहिया स्लोप के किनारे पर है, लेकिन अभी स्लोप पर चढ़ा नहीं है। देखिए, और ये जो बोनट है, ये जो बोनट है, ये बोनट और स्लोप के बीच में हल्का सा गैप आपको दिख रहा होगा। यदि ये स्लोप इस बोनट से टकरा जाएगा तो हमारी कार का बोनट भी टकरा जाएगा। इसीलिए हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जब हमारा फ्रंट व्हील या कार का आगे वाला पहिया जब स्लोप के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर है तो हमारे स्लोप और बोनट के बीच में थोड़ा सा 10 mm का गैप होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट में। और इसको कैसे बनाएंगे ये मैं अभी वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे इसका निर्माण करें। अब हमारी गाड़ी यदि इस स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारा बोनट जो है स्लोप पर यदि नहीं टकरा रहा तो अभी यहाँ नहीं टकराएगा। अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे चढ़ती जाएगी। किस पर चढ़ती जाएगी? स्लोप पर। हमें स्लोप पर गाड़ी को धीरे धीरे फर्स्ट गियर में चढ़ाते जाना है। जैसे मेरी गाड़ी ये आ रही है, मैंने ये गाड़ी आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है, क्योंकि हम बड़ी गाड़ी को ऐसे नहीं चढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने एक गाड़ी का निर्माण किया है आप लोगों को खास तौर से समझाने के लिए। हमारा जो चैनल है वो आप लोगों की जीवन की समस्याओं से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है। देखिए, ये हमारी गाड़ी अभी आधे बीच पर चढ़ गई है, आधे स्लोप पर पहुंच गई है। हमारे गाड़ी के दोनों जो पहिए थे या चारों पहिए स्लोप पर आ चुके हैं। यहाँ गाड़ी कहीं नहीं टकराएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक जगह जो टकराने वाला पॉइंट था वो मैंने आपको बताया, अभी दूसरा पॉइंट आगे आने वाला है। देखिए, ये हमारी गाड़ी जा रही है धीरे 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 धीरे। ले जाना है आपको गाड़ी को, एकदम से नहीं चढ़ाना है, अन्यथा एकदम से गाड़ी टकराएगी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखिए, ये धीरे धीरे हमारी गाड़ी जा रही है आगे की तरफ। अभी ये टकराने वाला पॉइंट देखिए धीरे धीरे आ रहा सेंटर में। देखिए, एक टकराने का पॉइंट आ रहा है बिल्कुल। अब ये पोजिशन जो है, देखिए इस पोजिशन में कोई भी गाड़ी टकरा सकती है। ये पोजिशन कौन सी पोजिशन होती है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, ये हमारा फ्रंट व्हील है, ये फ्रंट व्हील मकान के अंदर पहुंच गया है, और जो पीछे वाला व्हील है ये स्लोप पर है। देखिए, स्लोप लिखा हुआ है। ये वाला व्हील और ये वाले व्हील का जितना गैप होता है, इस व्हील के सेंटर से इस व्हील के सेंटर का जितना भी गैप होता है उसके सेंटर पॉइंट है ये। यानी इस पोजिशन में हमारी गाड़ी बीच में टकरा सकती है। इसमें बोनट नहीं टकराता है, इसमें हमारे व्हील जो कार का बीच वाला पोर्शन है, ये सेंटर पोर्शन, ये टकरा सकता है जिस पोजीशन में। अभी तुम लोग देख रहे होगे सभी लोग, ये हमारा स्लोप का पॉइंट है, ये गाड़ी की बॉडी है। देखिए, इसके बीच में आपको स्पष्ट गैप दिखाई दे रहा होगा, बीच में थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा, इसको मैं जूम करके दिखा दूंगा। ये पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? ये होती है इस व्हील और इस व्हील के सेंटर पॉइंट। इधर से जितनी दूरी इस व्हील की होगी, इधर से उतनी दूरी इस व्हील की होगी। मान लीजिए किसी कार का इधर से इधर तक के बीच की दूरी 3800 mm है या 4000 mm है, तो अगर पूरी दूरी इधर से लेके इधर तक 4000 है, तो इधर से लेके इस पॉइंट से लेके इधर तक का 2000 लेंगे, और इधर से लेके इधर तक का 2000 लेंगे। अगर ये गैप जो है अगर कम हो जाता है तो हमारी गाड़ी बीच से टकरा जाएगी। अब यदि नहीं टकरा रही है तो हमारी गाड़ी, हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, ये गाड़ी आगे चढ़कर हमारे गैरेज में और मकान में पहुंच जाएगी, और हम आसानी से इस तरीके से गाड़ी को अपने गैरेज में खड़ा कर सकते हैं। अब हमें गाड़ी को जब उतारना है तो उतारने में भी वही पोजीशन बनेगी जैसे मैं गाड़ी को उतार रहा हूं। उतारने में भी सेंटर पॉइंट पर, देखिए ये गाड़ी फिर सेंटर पॉइंट पर आ गई है। अगर ये सेंटर पॉइंट पर ऊंचा स्लोप रहेगा तो फिर टकरा जाएगी, और ये सेंटर में ही बनेगा दोनों पहियों के बीच में।
अब हमारी गाड़ी नहीं टकरा रही क्योंकि हमने सही स्लोप बनाया है और स्लोप को कैलकुलेट करके बनाया है। कभी भी दोस्तों आपको अनजाने में स्लोप नहीं बनाना है। अगर अनजाने में स्लोप बनाओगे आपकी गाड़ी टकरा जाएगी और आपको दोबारा से स्लोप को तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा काम करो कि उसमें तोड़ फोड़ ना करनी पड़े आपको। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे फोन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। मैं फोन नंबर स्क्रीन पर भी लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपकी मदद करेगा। ये गाड़ी उतरती हुई आ रही है बैक में। जैसे जैसे उतरती हुई गाड़ी आएगी तो उतरने में भी एक पोजिशन फिर से बनेगी, वही बोनट वाली। देखिए देखिए ये गाड़ी उतरती हुई आ रही है। जैसे ही पहिया स्लोप के स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा तो फिर से ये बोनट पॉइंट, यदि आपका स्लोप ऊंचा रहेगा तो अगर चढ़ने में टकराया था तो उतरने में भी टकरा सकता है। ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट, ये स्लोप और बोनट के बीच में, यदि आपने स्लोप सही बनाया है तो नहीं टकराएगा। तो ये तो मैंने बात बताई कि कैसे हमारी गाड़ी जो है स्लोप पर टकरा सकती है। अब मैं बताता हूं इसका क्या उपाय है, क्या करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं इस कार से समझा देता हूं, आप ध्यान से समझिए, ये मेन पॉइंट है। आपको इस पहिए से, ये पहिया है जो पहिए के सेंटर से ये बोनट की ये दूरी नापना है, ये दूरी कितनी है। तो नॉर्मली गाड़ी की 700 mm रहती है, 800 mm, ये इस दूरी को हम नाप लेंगे। इस दूरी को नापने के बाद आपको ये ऊंचाई नापनी है कि रोड से, ये रोड है मान लीजिए, रोड है, रोड से ये बोनट की ऊंचाई कितनी है। मान लीजिए 200 mm है, ये 700 है, ये दूरी 700 है और इसकी ऊंचाई 200 mm है। तो आपको क्या करना है, इधर पे देखिए, इधर से आपको देखिए, आपको पहिया देखिए सेंटर में है बिल्कुल, इधर से आपको पहिया बिल्कुल पहिए के इधर से लेकर जहां से हमारा स्लोप है, या पहिए के सेंटर से लेकर के, पहिए के सेंटर से लेकर के इधर से 700 mm दूरी पर जहां पर आपका स्लोप है, यहां पर ये ऊंचाई 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि 200 से ज्यादा हो जाएगी ये, तो जैसे ही ये पहिए के सेंटर से ये दूरी 700 होगी और 200 से ज्यादा हो जाएगी तो आपका बोनट जो है 200 का ही है। यदि 200 से ज्यादा स्लोप की ऊंचाई हो जाएगी तो आपका बोनट टकरा जाएगा, क्योंकि आपके बोनट की ऊंचाई 200 mm है। तो पहला पॉइंट हम ऐसे बच सकते हैं बोनट की ऊंचाई के हिसाब से। दूसरा आपको क्या करना है, जब आपकी गाड़ी इधर चढ़ती है चढ़ती है, मैंने फिर से चढ़ा के बता दी कि ऐसे ऐसे आई, ऐसे ऐसे आई, ऐसे ऐसे आई, इधर पे आ गई इधर पे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस पहिए के सेंटर से, इस पहिए के सेंटर की दूरी को आपको मेजरिंग टेप से नाप लेना है। फिर क्या करना है, आपकी गाड़ी का जितना ग्राउंड क्लियरेंस है, मान लीजिए आपकी गाड़ी का 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, तो 180 mm का आपको इस पॉइंट पर एक ईंट को या किसी बल्ली को रखना है, ईंट जो ईंटा होता है उसको रख लीजिए 180 mm, 180 mm का इधर रखिए सेंटर से बिल्कुल दोनों तरफ बराबर, जितना इधर से इधर पे रखना है उतना ही इधर से इधर रखना है, और उसको मेजरिंग टेप को लगाइए पूरा, जो आपने पहिए से पहिए के बीच की जो डिस्टेंस नापी थी उसको सेंटर से लगाइए। और यदि आपको ये चीज करना ना आए, यदि आपको ये मेन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, हमारा चैनल अपलोड करता रहता है, कभी ना कभी आपको जरूर जरूरत पड़ेगी, जो भी समस्याएं होंगी वो जरूर सॉल्व की जाएंगी। आज के लिए इतना ही, ओके, जय हिंद, जय भारत।